हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं, यानी कि संगीत में जो गाने हैं, वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की, तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार के फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो
ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको, क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 वॉच रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है। साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने भाई को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं।
इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है।
उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र बिक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र बिक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पर जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म
आपको क्यों देखनी चाहिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, शबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी हैं। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं, यानी कि संगीत में जो गाने हैं, वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं, और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को अब थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की, तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार के फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है। और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो News18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। News24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था।
बात करें फिल्म के गानों की तो दो गाने हैं, और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने, और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है, और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि जो उनके मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र बिक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं, और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे, और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है, और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र बिक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है, और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं, और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खूंखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है, और वो अपने वफादार साथियों और अपने भाई को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ, और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा, और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने।
फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, शबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी हैं। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को अब थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार के फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो News18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। News24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को
किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे, और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है, और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है, और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं, और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खूंखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है, और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ, और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा, और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं, और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली
स्टूडियोज़ लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को अब थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फ़ैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार के फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंडट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है
और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पर जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी, यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खूंखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है। और वो अपने वफादार साथियों और अपने भाई को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ, और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा, और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं, यानी कि संगीत में जो गाने हैं, वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म
को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है। तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फ़ैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है। और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंडट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पर जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको
मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा, और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज़ लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDB की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फ़ैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार के फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर,
और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है। और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़24 ने फिल्म को 1 वॉच रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है। साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI घमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खूंखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने भाई को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार
मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म फेल रही थी और लोगों को अब थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फ़ैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली।
न्यूज़ 24 ने फिल्म को एक वॉच रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्येक पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पर जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है, जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को
मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, शबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं, यानी कि संगीत में जो गाने हैं, वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं, और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को अब थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की, तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फ़ैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है। और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी।
साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो दो गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र बिक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र बिक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पर जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है, जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है
और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, शबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी हैं। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों ने यह फिल्म लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फ़ैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की, तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी।
मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र बिक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी और भैया जी के रूप में आप मनोज बाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र बिक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज बाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज बाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज बाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज बाजपेयी, सबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज बाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली
स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों ने यह फिल्म लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फ़ैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है
और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पर जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी, यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खूंखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने भाई को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है, जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना राजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं, यानी कि संगीत में जो गाने हैं, वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी।
बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फ़ैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है। और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाग का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाग का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है, जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा
कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना राजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार के फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद
क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है। और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 वॉच रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार
मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, सबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार के फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो News18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली।
न्यूज़ 24 ने फिल्म को एक वॉच रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है। साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की। तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को
मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, शबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी है। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं, यानी कि संगीत में जो गाने हैं, वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं, और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों ने यह फिल्म लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की, तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है, और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो News18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। News24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की, तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी।
साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो दो गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र बिक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज वाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र बिक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पर जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज वाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भैया जी। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर के फैन हैं और एक्शन थ्रिलर फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, छायांकन, संपादन, संगीत, उत्पादन, बजट और फुल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही, फिल्म को क्या रेटिंग मिला और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या मतलब कैसे आलोचना करी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म भैया जी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म भैया जी, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अपूर्व सिंह कार्की ने लिखा है, जिन्होंने इसे दीपक किंगरानी के साथ सह लेख किया है। इसमें मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है, जो कानूनी ड्रामा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है
और 2023 के बाद कार्की के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये कानूनी ड्रामा फिल्म है। अब बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने, वहीं पे फिल्म की कहानी लिखी है अपूर्वा सिंह कार्की ने ही और दीपक किंगरानी ने। फिल्म को उत्पादित किया गया है विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, मनोज वाजपेयी, शबाना रजा, सैल ओसवाल, समीक्षा ओसवाल के द्वारा। फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी, जोया हुसैन, सुविंदर विक्की और जतिन गोस्वामी हैं। फिल्म को छायांकित किया है अर्जुन कुकरेती ने और इस फिल्म को संपादित किया है सुमित कोटियन ने। फिल्म के जो गाने हैं यानी कि संगीत में जो गाने हैं वो मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर और तुलिया उपाध्याय द्वारा दिए गए हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के द्वारा दिया गया है। फिल्म को उत्पादित की बात करें तो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और SSO प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को उत्पादित किया है। वितरण की बात करें तो पेन मधुरकर इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म की कार्यक्रम अवधि 131 मिनट की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 20 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और फिल्म लगभग फिल्म फेल रही थी और लोगों को थिएटर में बुलाने में नाकाम रही थी और फिल्म सिर्फ 11.52 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, क्या वोटिंग मिली है, तो दोस्तों इस फिल्म को 5 out of 10 की एक एवरेज रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है। वहीं पर आज तक की बात करें तो 2 out of 5 की जो क्रिटिसाइज आज तक ने 2 out of 5 की स्टार रेटिंग दी है। और बात करें गूगल यूजर्स की तो 53% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मनोज तिवारी सर के फैन हैं और यूपी वाला टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, बाहुबली वाली फिल्में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी अगर आप यूपी बिहार के फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था और आप इस फिल्म को कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर 26 जुलाई 2024 से G5 पर किया गया है और तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं आसानी से। और बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में तो मैंने बताया आपको। क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो न्यूज़ 18 ने मनोज वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए 5 में से 3 की स्टार रेटिंग दिया और कहा कि जनसत्ता ने भी अपनी समीक्षा में वाजपेयी की सराहना की और फिल्म की 5 में से 3 रेटिंग मिली। न्यूज़ 24 ने फिल्म को 1 watch रेटिंग दिया है और उसमें वाजपेयी के अभिनय की प्रशंसा की है, साथ ही जोया हुसैन और सुरेंद्र विक्की की भी प्रशंसा की गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी एक अच्छे पहले भाग और मनोज वाजपेयी के शानदार प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि पूरा अगर दारोमदार देखा जाए इस मूवी का तो मनोज वाजपेयी के ही ऊपर रहता है। उसी तरह अगर बात करें सिनेमा एक्सप्रेस का, तो सिनेमा एक्सप्रेस के कार्तिक भारद्वाज ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि भैया जी का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ भौंकने और काटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की, तो 24 मई 2024 को फिल्म दुनिया भर में रिलीज़ हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 11.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन करी और यह फिल्म असफल रही थी। साउंडट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत मनोज तिवारी, दीपक ठाकुर ने तैयार किया है और गीत डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। पहला सिंगल बाघ का करेजा 24 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया और दूसरा सिंगल चक्का जाम 24 मई 2024 को रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के गानों की तो 2 गाने हैं और बाघ का करेजा जो गाना है वो डॉक्टर सागर ने लिखा है और संगीत दिया है आदित्य देव ने और मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। और चक्का जाम वाला जो गाना है वो गीत दिया है डॉक्टर सागर ने और संगीत दीपक ठाकुर का है और मालिनी अवस्थी और दीपक ठाकुर द्वारा इस गाने को गाया गया है। यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोग ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि मनोज वाजपेयी के जो समर्थक हैं उनको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी।
मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म के अंदर, जबकि जोया हुसैन मुख्य हीरोइन के रूप में इस फिल्म में दिखाई गई हैं। सुरेंद्र विक्की प्रत्यक्ष पक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और आधिकारिक टीजर का अनावरण 20 मार्च 2024 को किया गया। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2024 को किया गया। बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है, तो फिल्म के अंदर रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी के रूप में आप मनोज बाजपेयी को देख पाएंगे और बचपन का जो रोल है वो अमृत सचान ने किया है। भागीरथी भाई कदम छोटी माँ यानी कि भैया की सौतेली माँ का जो रोल है वो भागीरथी ने किया है और जोया हुसैन ने मिथाली का रोल किया है। अभिमन्यु सिंह ने जतिन गोस्वामी का रोल किया है। सुरेंद्र विक्की चंद्रभान सिंह का रोल कर रहे हैं। विपिन शर्मा ने एक SI गमन का रोल किया है और अभिषेक रंजन रवि का रोल करते हुए नजर आए हैं। आचार्य अनंत भोला के दोस्त का रोल कर रहे हैं। आकाश मखीजा वेदांत का रोल कर रहे हैं। अमरेंद्र शर्मा नियाज का रोल कर रहे हैं और जय हिंद कुमार पंडित के रूप में इस फिल्म में दिखाए गए हैं। अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर, तो इस फिल्म के प्लॉट पे जो कहानी दिखाई गई है तो कुछ इस तरह की है। जैसे इस फिल्म में दिखाया था कि एक छोटी सी बहस के दौरान अपने छोटे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद भैया जी यानी जिसका रोल मनोज बाजपेयी कर रहे हैं, एक सेवानिवृत्त और खुखार अपराधी जिम्मेदार प्रभावशाली गुज्जर के खिलाफ न्याय की तलाश में निकल जाता है और वो अपने वफादार साथियों को ढूंढता है वफादार साथियों के साथ और बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू करता है जिसके ऊपर इस फिल्म का पूरा कहानी केंद्रित है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको मनोज बाजपेयी का एक अलग तरीके का स्वैग देखने के लिए मिलेगा और सही में वो भैया जी ही की तरह ही बाहुबली का रोल करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी।